सुरों की सादगी ये मेरे दिल को लुभाए, गाए बगैर मुझको कभी चैन ना आए, ये साज मुझको छेड़े मुझको बड़ा सताए, अरे क्या करें हम क्या करें हम कोई बताए। सुर से सुर को मिलाते जाए, प्यारे के गीत गाते जाए, सुर से सुर को मिलाते जाए, प्यारे के गीत गाते जाए, आओ सुर मिलाए, आओ सुर मिलाए, आओ सुर मिलाए, आओ सुर मिलाए। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय श्री कृष्ण, जय जिनेंद्र। मैं शबनम और मैं गीतेश एक बार फिर से आप सभी का तहे दिल से स्वागत करते हैं आपके अपने शो में, दैट इज गोल विंग सुरों की जंग। दोस्तों, हमारे इस राउंड को आगे बढ़ाते हुए हमारे आज के एपिसोड के पहले कंटेस्टेंट को बुलाते हैं, जिनका नाम है जयंत भुजाड़े। यो, दिस इज जे स्टार 1180 छत्ता मदन गोपाल पराठे वाली गली दिल्ली छे। थोड़े सामने पेश करन वालों एक रोमांचक गाना, सुनन वाले नु 101 रुपए ना, गौर नाल सुनना। देसी कलाकार मैं पुत जट दा मन रानी हार, यार तेरा सुपरस्टार। देसी कलाकार मैं पुत जट दा मन रानी हार, दुनिया के सोचोगे साढ़े बारे या गल बिल्लो छड़ दे छड़ दे छड़ दे, अपने तू मम्मी डैडी दा भी डर दिल तो हुन कर दे कर दे कर दे, दुनिया के सोचोगे साढ़े बारे या गल बिल्लो छड़ दे छड़ दे छड़ दे, अपने तू मम्मी डैडी दा भी डर दिल तो हुन कर दे कर दे कर दे। तू मेरी हीर मैंने दिल से माना तुझे, हर वीर बार पीर बाबा से भी मांगा तुझे, यार तेरा सुपरस्टार। देसी कलाकार मैं बुत जट राम मान रानी हार, कट के भी ले जावा तू कहता एक बार, मैं बुत जट दा हुण पीछे नहीं हटदा, दुनिया के सोचोगे साढ़े बारे अगल बिल्लो छड़ दे छड़ दे छड़ दे, अपने तू मम्मी डैडी दा भी डर दिल तो हुन कर दे कर दे कर दे, यार तेरा सुपरस्टार सुपरस्टार, यार तेरा सुपरस्टार सुपरस्टार, मैं बुत जट दा मन रानी हार, यार तेरा सुपरस्टार मर रानी हार। तू मेरे नेरे मेरे नहीं, तेरे बिन मेरा जी लगदा नहीं, मुख चली जिंद मेरी देर न गई, बेबी आई ओला कर देने हल में सारी मुश्किल, रख यकीन जस्ट चिल, जेड़ा आए सदे विच आए गोन किल, बेबी आई ओला तेरा सुपरस्टार। देसी कलाकार मैं पुत जट राम माले दा, अपने तू मम्मी डैडी दा भी डर दिल तो कर दे कर दे कर दे, दुनिया के सोचोगे साढ़े बारे या गल बिल्लो छड़ दे छड़ दे छड़ दे, अपने तू मम्मी डैडी दा भी डर दिल तो कर दे कर दे कर दे। एक काम कर, खोल लॉकर, कट पे है फिर लॉकर, फोन तू रख लिया पर टुल्ली ना उदा चार्जर, हुन एक बैग तैयार कर तैयार कर, कर रहा गल सुन होल्ड ऑन ईजी, डरना ठीक आई थी यो पासपोर्ट
क्रेडिट कार्ड पासबुक जिपर यू स्लीपर यू फ्रिस्ते लगिया स्टिकर यू ग्लॉसी लिपर मेरे लिए संभले कर करना को फिकर जस्ट डू इट एवरीथिंग क्विक कर हुण अपने तू प्यो दे कमरे नू ला दे कुंडी नाल मेरे लिए पैक कर थोड़ी रोटी ते भिंडी अज रब ने सुख नाल सारा काम बनाता है तेरे माँ प्या मूवी टाइम सेल सो आता है तेरे डॉगी नू मैं नशे वाला बिस्कुट पाता है एक्साइटेड मैं एडा एक्साइटेड मैं एडा एक्साइटेड मैं एडा हनीमून पैकेज बुक कर रहा है एक्साइटेड मैं एडा हनीमून पैकेज बुक कर रहा है यहाँ तेरा सुबह सा देसी कलाकार मैं बुद्ध जट राम मारे दानी हार यहाँ तेरा सुबह सा देसी कलाकार मैं बुद्ध जट राम मारे दानी हार तू मेरे मैंने दिल से माना तुझे हर वीर बार पीर बाबा से भी मांगा तुझे दुनिया के सोचूगे साढ़े बारे या गल बिल्लो छड़ दे छड़ दे छड़ दे अपने तू मम्मी डैडी का भी डर दिल तो हम कर दे कर दे कर दे दुनिया के सोचूगे साढ़े बारे या गल बिल्लो छड़ दे छड़ दे छड़ दे जयंत अपने गाना सुना था पहले ही ठीक से सुना था हाँ सर सो सुर ताल कुछ भी माने सर थोड़ी नर्वसनेस थी थोड़ा नहीं नर्वसनेस लेकर क्यों आए हो हम तो एनकरेज ही करते हैं सभी लोग तो बाकी भी जजेस माने कुछ कहने की इसमें ही नहीं है हमने बात की सुर ताल कहीं कुछ ये नहीं है तो आपको तैयारी कर कर आना है आगे भी ठीक है ऑलवेज इसी के साथ आगे बढ़ते हुए मैं बुलाना चाहूंगी हमारे आज के नेक्स्ट पार्टिसिपेंट मिस्टर प्रशांत लंगोटे को हाय प्रशांत हेलो सर हेलो तीन गानों में से कौन सा आप ले रहे हो सर सनम रे सनम रे ओके ओके ट्रैक प्लीज भीगी भीगी सड़कों पे मैं तेरा इंतजार करूं धीरे धीरे दिल की जमीन को तेरे ही नाम करूं खुद को मैं यूं खो दूं के फिर ना कभी पाऊं होले होले जिंदगी को अब तेरे हवाले करूं सनम रे तू मेरा सनम हुआ रे सनम रे तू मेरा सनम हुआ रे करम रे तेरा मुझ पे करम हुआ सनम रे तू मेरा सनम हुआ रे हो तेरे करीब जो आने लगा हूँ तो छूटे तेरे सनम रे तू मेरा सनम हुआ सनम रे तू मेरा सनम हुआ Oh
आंधियों की तरह ही तो तूने होश को मुड़ाया है। मेरा मुकद्द सवारा है यूं, मेरा नसीब झुलाया है तू। तेरे संग ही बिताने हैं मुझको तेरे सारे जन्म रे सनम रे सनम रे, तू मेरा सनम हुआ रे सनम रे सनम रे तू मेरा। प्लीज कमेंट प्रशांत, सॉन्ग सिलेक्शन मुझे थोड़ा गलत लगा। ठीक है, अभी आप सेकेंड राउंड में हैं तो थोड़ा कंपटीशन को सीरियसली लें। ठीक है, प्रोनाउंसिएशन और बहुत ही ढीला जा रहा था गाना, इसे मज़ा नहीं आया मुझे जितना चाहिए था। सुर बहुत जगह हिले हैं आपके, एक दो जगह बीट भी छूट गया था। ठीक है, सॉन्ग आपने दूसरे अच्छे दिए थे, जो भेजी थी दुआ वो क्यों नहीं किया? अच्छा सॉन्ग था, एकदम कैची सॉन्ग है, मुझे थोड़ा कम मजा आया, सॉरी। थैंक यू जजेस। तो इस परफॉर्मेंस के बाद बुलाते हैं हमारे गोल्ड विन सुरों की जंग की अगली परफॉर्मर मिस पूजा शेंद्रे को। हेलो पूजा। हाय सर। हाय बेटा, कौन सा गाना लेने जा रहे हैं? 16 बरस की। ओके ओके, ट्रैक प्लीज। कोशिश करके देख ले दरिया सारी नदिया सारी, दिल की लगी नहीं बुझती बुझती है चिंगार। पहली नजर
जजेस कमेंट्स प्लीज. डायरेक्ट एंट्री. थैंक यू सर. थोड़ी थोड़ी गड़बड़ हो गई आखिर में, वो भी खुद समझती हैं, लेकिन तब तक का ट्रैक बहुत अच्छी तरह से उन्होंने सुना हुआ था. एक्सप्रेशन बिल्कुल सही था, सिलेक्शन सही होने की वजह से बाकी सारी चीज़ें अपने आप सही होती गई. एंड और बहुत आनंद देने वाला गाना था ये, इनका परफॉर्मेंस था. थैंक यू सर. आप सभी जजेस को मेरी तरफ से बहुत बहुत सारा थैंक यू. तो अगले राउंड में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक ऑल द बेस्ट. तो दोस्तों, गोल्डविन सुरों की जंग में अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, तो मिलते हैं कुछ ही समय बाद. ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है इस गोल्डविन सुरों की जंग में. इसी के साथ इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए मैं बुलाती हूँ हमारे नेक्स्ट पार्टिसिपेंट मिस्टर शुभम वर्मा को. हेलो शुभम. हेलो सर. कौन सा गाना सुनाने जा रहे हो शुभम? तेरी गलियों में. ओके, ट्रैक प्लीज. के बाद
तेरी गलियों में। तो चलिए सुनते हैं इस परफॉर्मेंस के बारे में हमारे जजेस की राय। तू मेरा मिलना ला 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 ला। इत साल पहले पाठ झाली पाहिजे। थैंक यू सर। एक गोष्ट, दुसरी गोष्ट, उच्चार न करता का गाता तुम्ही लोक? तेरी तेरी गलियों में ना रगे गे गदम आज गवा। असं का म्हणता? तेरी गलियों में ना रखेंगे कदम आज के बाद, तेरे मिलने को ना आएंगे सनम आज के बाद। तेरी गलियों में प्रत्येक उच्चर रफी साहेबांचं गाणं ऐका ना, गाने के हिसाब से आवाज का लगाव चेंज होता है। आवाज की डिमांड जो होती है, गाने की डिमांड जैसे हो उस तरह आवाज का की सप्लाई होना जरूरी है। ओके, नेक्स्ट। थैंक यू जजेस। तो इसी के साथ बुलाते हैं हमारे गोल्डविन सुरों की जंग के अगले परफॉर्मर मिस्टर मनीष पोसरकर को। नमस्ते सर। नमस्ते मनीष। कौन सा गाना सुनाने जा रहे हैं? सर तू जाने ना। ओके, ट्रैक प्लीज। फासले तुमसे न जाने क्यों, अनजाने है सिलसिले तुमसे न जाने क्यों, सपने हैं पलकों तले तुमसे न जाने तू जाने ना,
ख्यालों में लाखों बातें यूं तो कह गया, बोला कुछ न तेरे सामने, वो हुए ना बेगाने भी तुम हो के आर के, देखो तुम ना मेरे ही बने, अफसोस होता सपने संजोता है हम से, पता है जो तुझको चाहे यारा बता ना पाए, बातें दिलों की देखो जो वहां की आके तुझे समझाए, तू जाने ना तू जाने ना जाने ना। थैंक यू मनीष, आपकी इस परफॉर्मेंस पे जजेस की राय जान ले। ठीक है सर, ठीक है। मनीष मागच्या मी ज्या टिप्स दिले होते ते ऐकले होता तू? हा मग काय तुला वाटून राहिले इम्प्रूव्हमेंट झालं म्हणून काही? नाही। चल तुझं सिलेक्शन झालं पुढच्या राऊंड मध्ये। थँक यू सर। थँक यू जजेस, थँक यू मनीष, प्लीज हैव योर सीट। मनीष की इस परफॉर्मेंस के बाद अब बढ़ते हैं इस गोल्ड विन सुरो की जंग में आगे, तो चलिए बुलाते हैं हमारे अगले परफॉर्मर प्रतीक चौहान को। हेलो सर। हेलो मैम। हेलो प्रतीक, कुठला गाणं घेतोय? कोणतं गाणं ले रहे हो? सर दीवाना सॉन्ग। ओके, बाय सोनू निगम। ट्रैक प्लीज। तेरा मौसम है मस्ताना, उस पे दिल दीवाना, दीवाना तेरा, तुझे ही बुलाए ए मर्जी तेरी, तू आए ना तेरा दीवाना, मैं हूँ दीवाना तेरा, मौसम है मस्ताना, उस पे दिल दीवाना, दीवाना तेरा, तुझे ही बुलाए ए मर्जी तेरी, तू आए ना। We'll be right back.
लगी है हो के जुदा यू तो मुझे आजमाने लगी है ओ ये भी तो सोच ले दिल है शीशा मेरा जाने कब टूट जाए दीवाना तेरा तुझे ही बुला रे मर्जी तेरी तू आए जजेस की राय प्रतीक तेरा सिलेक्शन हो गया कांग्रेचुलेशन प्रतीक कांग्रेचुलेशन एक्सप्रेशन का अर्थ उच्चार गिरने ऐसा नहीं है जितका खुलेपणे दीवाना तेरा हे जितका खुलेपणे म्हणतो ना तितकाच खालचरी सूर आहेत ना ला 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 असं करून नाही गायचं ते करा विचार थँक्यू सर आय विल इम्प्रूव्ह इट बिलकुल पॉझिटिव्ह अप्रोच ठेवणाराच नेहमी चांगला परफॉर्मर होऊ शकतो ठीक आहे ह्या ज्या टिप्स तुला आत्ता दिलेल्या आहेत त्या पुढच्या परफॉर्मन्ससाठी दिल्या आहेत आता बघू तू किती इम्प्रूव्ह करतो ठीक आहे ऑल द बेस्ट थँक्यू मॅम थँक्यू जजेस कॉंग्रॅच्युलेशन प्रतीक प्लीज हॅव युअर सीट तो इस परफॉर्मन्स के बाद अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का तो लौटते हैं कुछ ही समय बाद ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है इस शो में जिसका नाम है गोल्डविन सुरों की जंग सुरों के इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए मैं बुलाती हूँ हमारे आज के नेक्स्ट पार्टिसिपेंट मिस्टर भूषण देशमुख को गुड इवनिंग सर गुड इवनिंग मैम गुड इवनिंग भूषण कौन सा गाना ले रहे हो सर मैं फिल्म सत्य पे सत्ता में का दिल भर मेरे कब तक ट्रैक प्लीज दिलबर मेरे कब तक मुझे ऐसे ही तड़पाओगे मैं आग दिल में लगा दूंगा वो ये पल में पिघल जाओगे दिलबर मेरे कब तक मुझे ऐसे ही तड़पाओगे मैं आग दिल में लगा दूंगा वो ये पल में पिघल जाओगे एक दिन आएगा प्यार हो जाए
के पल में पिघल जाओगे। सोचोगे जब मेरे बारे में तन्हाइयों में, गिर जाओगे और भी मेरी परछाइयों में। सोचोगे जब मेरे बारे में तन्हाइयों में, गिर जाओगे और भी मेरी परछाइयों में। ये दिल मचल जाएगा, ओ प्यार हो जाए दिलबर मेरे, कब तक मुझे ऐसे ही तड़पाओगे। मैं आग दिल में लगा दूंगा वो कि पल में पिघल जाओगे। जुड़ेगा जो दिल तो महकने लगोगे, तुम मेरी बाहों में आके बहकने लगोगे। दिल से जुड़ेगा जो दिल तो महकने लगोगे, तुम मेरी बाहों में आके बहकने लगोगे। ए होश हो जाएगा, हाँ प्यार हो जाएगा मेरे, कब तक मुझे ऐसे ही तड़पाओगे। मैं आग दिल में लगा दूंगा वो कि पल में पिघल जाओगे। एक दिन आएगा प्यार हो जाएगा, ओ मैं आग दिल में लगा दूंगा वो कि पल में पिघल जाओगे। दिलबर मेरे, कब तक मुझे ऐसे ही तड़पाओगे। मैं आग दिल में लगा दूंगा वो कि पल में पिघल जाओगे। जस्ट कमेंट्स प्लीज। वही सेम के ये कुमार सानू ने गाया हुआ गाना नहीं है, इसे नाक में मत गाइए। दिलबर मेरे, कब तक मुझे ऐसे ही तड़पाओगे। दिलबर मेरे, कब तक मुझे ऐसे ही तड़पाओगे। मैं आग दिल में लगा दूंगा वो के पल में पिघल जाओगे। एक दिन आएगा प्यार हो जाएगा, ओ मैं आग दिल में लगा दूंगा वो के पल में पिघल, ये जो लगा दूंगा वो। इस नोट पे भी ध्यान दीजिए। All the best. Thank you, sir. तो इसके बाद बुलाते हैं हमारे गोल्डविन सुरों की जंग के अगले परफॉर्मर मिस्टर धनंजय वाकोड़े को। हेलो धनंजय। सर मेरे सपनों की रानी। ओके ट्रैक प्लीज। Na na na
सपनों की रानी कब आएगी तू, आए ऋतु मस्तानी कब आएगी तू, बीत जाए जिंदगानी कब आएगी तू, चलिया तू चलिया, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आए ऋतु मस्तानी कब आएगी तू, बीत जाए जिंदगानी कब आएगी तू, चलिया तू चलिया। प्यार की गलियां बागों की कलियां सब रंग रलिया पूछ रही है, प्यार की गलियां बागों की कलियां सब रंग रलिया पूछ रही है कि तू पनगन पे किस दिन आएगी तू, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आए रुक मस्तानी कब आएगी तू, जाए जिंदगानी कब आएगी तू, चलिया तू चलिया। फूल सी खिल के पास आ दिल के फूल से मिल के चेना जाए, फूल सी खिल के पास आ दिल के दूर से मिल के चेना जाए, और कब तक मुझे तड़ पाएगी तू, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आए ऋतु मस्तानी कब आएगी तू, गीत जाए जिंदगानी कब आएगी तू, चलिया तू चलिया। क्या है भरोसा आशिक दिल का और किसी पे ये आ जाए, क्या है भरोसा आशिक दिल का और किसी पे आ जाए, आ गया तो बहुत पछताएगी तू, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आए ऋतु मस्तानी कब आएगी तू, बीत जाए जिंदगानी कब आएगी तू, चलिया तू चलिया, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आए ऋतु मस्तानी कब आएगी तू, बीत जाए जिंदगानी कब आएगी तू, चलिया आ तू चलिया, चलिया तू चलिया, चलिया आ तू चलिया। थैंक यू जजेस, कमेंट्स प्लीज। काही गाण्यासाठी ऐकणं आवश्यक असतं, कान असणं आवश्यक आहे आपल्याकडे, एक। आणि दुसरी गोष्ट जी मी इथे कायम सांगतोय, हे गाणं ऐकायचं यासाठी नाही की त्याच्यात त्याची मी मला हवी तशी कशी मोडतोड करू शकेन रिमिक्स, यासाठी की त्यांनी कसं गायलं तसं मला गाता आलं तर मोडतोड करण्याचा अधिकार माझ्याकडे निर्माण होतो। गाणे में वेस्टर्न टच ज्यादा लगा मुझे, मीन्स ऐसे लगा कोई फॉरेनर सिंगर जो होते हैं ना वो हिंदी गाना ट्राई कर रहे हैं, स्पेशली इंट्रो में मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, है ना, वो जैसा ओरिजिनली गाया हुआ है ना उसका 90% भी वो नहीं पहुंच पाया आप उस तक, राइट right?
सुर वगैरह का नॉलेज है आपको, ताल का नॉलेज है, बट उसको जिस जो गाना इंडियन कल्चर में ढला हुआ है, हजारों लोगों ने सुना हुआ गाना है, उसके साथ नया एक्सपेरिमेंट मत कीजिए प्लीज। ये गाना इतने लोगों ने सुना है, आज का भी बच्चा बच्चा सुनता है ये गाना, फेमस गाना है। अगर नए गानों के साथ आप एक्सपेरिमेंट करते हैं तो ठीक है, चलता है, मुझे वो वेस्टर्न टच बहुत लगा उसमें। थैंक यू जजेस, थैंक यू धनंजय, हैव योर सीट। इसी के साथ हमारे गोल्डविन सुरों की जंग में बढ़ते हैं आगे और बुलाते हैं हमारे अगले पार्टिसिपेंट मिस्टर अनिकेत खंडारे को। नमस्कार। नमस्कार अनिकेत। अनिकेत जी सर, कौन सा गाना? मैं दिल का सुना साज रफी साहब का गाना आपके सामने पेश करना चाहूंगा। ओके ओके, ट्रैक प्लीज। दिल का सुना साज तराना ढूंढेगा, दिल का सुना साज तराना ढूंढेगा, तीर निगाहें नाज निशाना ढूंढेगा, मुझको मेरे पास जमाना ढूंढेगा, दिल का सुना साज तराना ढूंढेगा, तीर निगाहें नाज निशाना ढूंढेगा, अरे मुझको मेरे पास जमाना ढूंढेगा, दिल का सुना साज तराना ढूंढेगा। मेरे ख्वाबों को चुरा के ढालेंगे अफसानों में, मेरे दिल की आग बढ़ेगी दुनिया के परवानों में, वक्त मेरे गीतों का खजाना ढूंढेगा, दिल का सुना साज तराना ढूंढेगा, तीर निगाहें नाज निशाना ढूंढेगा। सूरज साथ रहेगा जब सांसों की राहों में, गम के अंधेरे छट जाएंगे, मंजिल होगी बाहों में, प्यार धड़कते दिल का ठिकाना ढूंढेगा, दिल का सुना साज तराना ढूंढेगा, तीर निगाहें नाज निशाना ढूंढेगा, मुझको मेरे बाद जमाना ढूंढेगा, दिल का सुना साज तराना ढूंढेगा। धन्यवाद। थैंक यू अनिकेत जी। धन्यवाद। थैंक यू, वेलकम। जजेस कमेंट्स प्लीज। हाँ अनिकेत जी। जी सर, आप संगीत में शायद पीएचडी कर रहे, ऐसा आपने पीछे बताया था। हाँ विशारद, विशारद। या, हाँ तो
अनिकेत जी, यहाँ पर हमारे साथ इस वक्त चौथे जज जो आए हैं, मुकुंद फणसळकर जी आए हैं। जी सर। हाँ, आपको इंट्रोड्यूस करवाना चाह रहा था जानबूझकर। हम तीनों तो है ही पहले के, लेकिन मुकुंद फणसळकर जी आए हैं यहाँ पर, वो भी आपसे बात करना चाहते हैं। जी सर, जरूर बात करूँ। बात इतनी ही करनी है कि अब तक के सभी स्पर्धकों में आप टॉपर हैं हमारे लिए। थैंक यू सर, धन्यवाद। सिर्फ एक जगह मैंने आपका एक मार्क काटा। जी सर। एक वजह से, एक जगह नहीं दो जगह आई वो बात। ला 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 खजाना। इसके लिए जो थोड़ा रुकना जरूरी है वो आप रुक नहीं पाए दोनों ही बार। ला 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 खजाना, ये जो थोड़ा सा 19-20 हो गया, इसलिए मैंने वहां जो पूरे लिखे थे उसको काट के एक मार्क कम किया आपका। बस बाकी सब कुछ इतना सही, इतना जगह पे ठीक ठीक, बहुत बहुत खुशी मिली हमें ये आपका। धन्यवाद सर। इस परफॉर्मेंस के बाद अब वक्त है रिजल्ट्स का, लेकिन उसके पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। मिलते हैं कुछ ही देर में। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है इस गोल्डविन सुरों की जंग में, और इसी के साथ अब वक्त है आज के रिजल्ट्स का। मैं सभी पार्टिसिपेंट से रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो प्लीज यहाँ आए। मैं हमारे जजेस सुरेश सर और विराग सर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि रिजल्ट के लिए प्लीज आगे आए। ये हमारा एपिसोड बहुत अच्छा हुआ है, इसमें से जो तीन प्रथम जिनको सबसे ज्यादा मार्क मिले वो है मिस्टर अनिकेत खंडारे, मिस्टर पूजा शेंद्रे। अनिकेत खंडारे अभी तक के एपिसोड में सबसे ज्यादा मार्क, सबसे ज्यादा मार्क 141। पूजा शेंद्रे को है 122 और प्रतीक चौहान को है 114 और मनीष पोसरकर, भूषण देशमुख, शुभम वर्मा और धनंजय वाकोड़े ये लोग आगे गए हुए हैं, और बाकी ये प्रशांत लंगोटे और भुजाड़े और खर्चे ये तो एलिमिनेट हो रहे हैं। सो मैं इनको सामने इनवाइट करता हूँ। पूजा शेंद्रे जी आप सामने आइए। अनिकेत खंडारे आज तक के सब एपिसोड में 141 141 मार्क्स इन्होंने हाईएस्ट मार्क्स लिए, और काफी टफ इसमें जो पार्टिसिपेंट आए काफी टफ रहे हैं। उसके बाद है प्रतीक चौहान जी, आप सामने आइए। इनके मार्क्स है 114, तालियों से इनका स्वागत कीजिए। इसके बाद मनीष पोसरकर जी, मनीष पोसरकर आप 110। मनीष सर को और एक कमेंट है मैडम का कि माने खुलकर गाइए तो ज्यादा अच्छा हो पाएगा आगे भी। भूषण देशमुख जी आप सामने आए, 104 मार्क्स लिए भूषण देशमुख जी ने, और शुभम वर्मा है 76 पर, और धनंजय वाकोड़े 76। सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, और इसके आगे भी अच्छा परफॉर्मेंस सब लोग दे। थैंक यू जजेस, थैंक यू ऑल द पार्टिसिपेंट्स। गोल्डविन सुरों की जंग में सिलेक्शन और रिजेक्शन का ये सिलसिला तो रहेगा जारी, तब तक के लिए हम लेते हैं आपसे इजाजत। मिलते हैं अगले एपिसोड में और भी बेहतरीन सुरों के साथ। सुरों की सादगी ये मेरे दिल को लुभाए, गाए बगैर मुझको कभी चैन ना आए, ये साज मुझको छेड़े मुझको बड़ा सताए, अरे क्या करें हम क्या करें हम कोई बताए। सुर से सुर को मिलाते जाए, प्यारे के गीत गाते जाए।
सुने